अस्सलाम वालेकुम। अब नेक्स्ट पार्ट में हम नेशनल सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स के कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। ये रहे कोड ऑफ एथिक्स, ये आप अगर नेट पे भी लिखेंगे NSPE कोड ऑफ एथिक्स तो गूगल पे भी आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। इसका प्रीएम्बल है कि इसमें स्टैंडर्ड्स जो है वो ऑनेस्टी इंटेग्रिटी के एग्जिबिट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट है कि इंजीनियर्स ये एग्जिबिट करेंगे, इसको शोकेस करेंगे, दिखाएंगे और इनको अपने जो प्रोसेसेस हैं इंजीनियरिंग के उसमें इंप्लीमेंट भी करेंगे अकॉर्डिंगली। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंजीनियर्स रिक्वायर ऑनेस्टी इंपार्शियलिटी फेयरनेस इक्विटी एंड मस्ट बी डेडिकेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर। इंजीनियर्स मस्ट परफॉर्म अंडर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर एंड रिक्वायर्स एडहेरेंस टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ एथिकल कंडक्ट। सब इसके छः फंडामेंटल कैनन हैं हमारे पास, दीज आर द सिक्स फंडामेंटल कैनन ऑफ प्रोफेशनल NSPE कोड ऑफ एथिक्स। सबसे पहला कैनन है होल्ड पैरामाउंट द सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। यानी आप कोई भी काम करें उसमें सबसे पहली चीज़ जो बुनियाद है उसको फोकस करने की ज़रूरत है वो क्या है, सेफ्टी है, हेल्थ है और वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। इसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस पर कोई भी किसी किस्म की भी सेफ्टी इश्यूज़, हेल्थ के इश्यूज़ या वेलफेयर को आप जो है वो सेफ गार्ड नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कोई भी काम ना करें अपने प्रोफेशनल कैरियर के अंदर या कोई ऐसी प्रोफेशनल प्रोसेसेस के अंदर। इंजीनियर्स पहली बात इस पर अगर SOP भी अगर कोई ऐसा काम लिखा हुआ है कि जो सेफ्टी और हेल्थ या वेलफेयर के अगेंस्ट जा रहा है आप उसको रिपोर्ट ज़रूर करेंगे। आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ज़रूर लें। फिर अपनी कॉम्पिटेंसीज जो आपकी एरियाज ऑफ कॉम्पिटेंसीज हैं जिसके ऊपर आपको प्रोफेशनल का टाइटल मिला है उसी कॉम्पिटेंसी एरिया में सर्विसेज दें। आउट ऑफ द बॉक्स भी देते हैं बहुत सारे लोग जो है वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लेकिन अगर आप एक ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जिसके बुनियाद पे आप कोई थर्ड पार्टी से लाइसेंस नहीं है और आप लाइसेंस होने का कहने की वजह से कि लाइसेंस मिल जाएगा एक्सपीरियंस हासिल करना है, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन इसके अलावा अगर आप इसकी बुनियाद पे कहीं जॉब लेना चाह रहे हैं, कहीं काम कर अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप नहीं कर सकते। अपने एरियाज ऑफ कॉम्पिटेंसी के अंदर ही सर्विसेज को परफॉर्म करें। फिर जो आप पब्लिक स्टेटमेंट्स दें, पब्लिक स्टेटमेंट्स से मुराद आम गैदरिंग की बात नहीं है, पब्लिक स्टेटमेंट्स से मुराद एक लीगली कोई इशू कर रहे हैं स्टेटमेंट। यानी आपका कोई ऑफिशियल पेज बना हुआ है, फेसबुक पेज बना हुआ है फॉर एग्जांपल, आपका कोई ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट बना हुआ है, आप स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, आप अपने कोलीग से बात कर रहे हैं, आप अपने कोलीग से ऑफिस टाइमिंग में बात कर रहे हैं, तो पब्लिक स्टेटमेंट कहलाएगी। वो ट्रूथफुल मैनर में दें, ऑब्जेक्टिव दें, सही है। हर एम्प्लॉय एक्ट फॉर ईच एम्प्लॉयर और क्लाइंट एज अ फेथफुल एजेंट और ट्रस्टीज। यानी कि जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसके आप फेथफुल एजेंट हो और वो आपको वो आप पे ट्रस्ट, उसने आपको ट्रस्ट किया ना आपको जॉब देके, तो आप भी अपना ट्रस्ट उसको डेफिसिट ना करें। होता क्या है कि आप एक जगह जॉब कर रहे थे, आपने वहाँ पर कुछ चीज़ सीखी, सही है, वो एक्सपीरियंस के बुनियाद पर आपको दूसरी जॉब तो मिल गई, लेकिन जहाँ पर आपने कुछ सीखी ना वहाँ पर कोई प्रोसीजर्स डेवलप किए थे, वहाँ पर प्रोसीजर्स की SOPs थी, आपने वो SOP मन वन कॉपी पेस्ट कर दी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये चीज़ ये डिसेप्टिव एक्ट्स ये इसमें आएगा। ट्रस्टफुल फेथफुल एजेंट्स के तौर पे काम नहीं किया और ट्रस्टी तौर पे काम नहीं किया। डिसेप्टिव एक्ट्स मतलब क्या हुआ, वही आप जो है दूसरों से झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल डिसेप्टिव एक्ट्स की हम एग्जांपल दें तो जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे आपके पास PC नंबर आएगा तो आपको मुतअद्दिद दूसरे लोग जो है आपके जॉब कर रहे हैं, PC नंबर आपने दे दिया, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, आपके पास एक कॉल आई भाई मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है मुझे आपका PC नंबर चाहिए क्योंकि मुझे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट कहती है कि आपके पास तो PC का बंदा, PC रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का बंदा ना हो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, इंजीनियर ना हो, PC से रिकॉग्नाइज्ड, आप वो ठेका नहीं हो सकता गवर्नमेंट का। अब वो ऐसे लोग रख तो लेते हैं सारे टेक्नीशियंस, लेकिन इंजीनियर को रखना वो उनके बस की बात नहीं होती क्योंकि होती वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, उतना इंजीनियर भाई पे कर नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं इंजीनियर से वो नंबर ख़रीदते हैं। अब जो इंजीनियर नंबर भेज देता है वो धोखा देता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी, खुद को भी। अवॉइड डिसेप्टिव एक्ट्स, ये एक इलीगल एक्ट है। फिर कंडक्ट देमसेल्व्स ऑनरेबली रिस्पॉन्सिबली एथिकली एंड लॉफुली सो एज टू एनहांस द ऑनर रेपुटेशन एंड यूजफुल ऑफ द प्रोफेशनल। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है छठा वाला जो है। तो ये छः कैनन्स हैं आपके पास। अब कोई केस हम अगर आपको देंगे हर केस को देखना पड़ेगा कौन सा कैनन उस पर अप्लाई हो रहा है। हम एक दो केसेस अगले कुछ उसमें आपको अपलोड करके देंगे, सॉल्व करके देंगे उसके हिसाब, उसके बाद बाकी ईमानदार जो
क्या कहते हैं, रूल्स ऑफ प्रैक्टिसेस इसमें लिखी हुई है, ये आप स्टडी करें, रूल्स ऑफ प्रैक्टिसेस कंप्लीट स्टडी करें। इसमें काफ़ी रूल्स ऑफ क्लॉजेज हैं, प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस के क्लॉजेज हैं, उसको आप प्लीज़ स्टडी करें। ये 2 पेज का एक आपके एक डॉक्यूमेंट है, इसको कंप्लीट स्टडी करें, और इसके बाद मैं आपको केस स्टडीज़ दूंगा ताकि उन केस स्टडीज़ को आप सॉल्व कर सकें। इसके अलावा इसको पढ़ने के बाद कहीं पर भी किसी पॉइंट पे कोई एम्बिग्यूटी हो तो प्लीज़ रिपोर्ट करें उस चीज़ को, उस एम्बिग्यूटी को, ताकि उसको हम हल कर सकें। तो फिलहाल इस वीक के लिए यही है, इस वीक के एंड पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ केसेस दे सकूँ और उन केसेस को अप्लाई कर सकूँ NHP कोड पे इसके रिस्पेक्ट से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, अभी थोड़ी समरी कर लेते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 2 जो है वो फ्रंट कवर क्या है हमारा, ये हमारी बुक है जी, कहते हैं इसकी जो मैंने LMS पर अपलोड की हुई है, और ये इसका चैप्टर नंबर 2 है। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर इंट्रोडक्शन देखा था, सॉरी इंट्रोडक्शन देखा था, इंट्रोडक्शन था, इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स की बात की थी, स्टैंडर्ड ऑफ केयर की बात की थी हमने, ब्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कॉजेशन की बात की थी, लाइबिलिटी की बात की थी, उसके बाद डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स की हमने बात की थी, द रेंज ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस की बात की थी, प्रॉब्लम ऑफ मैनी हैंड्स की बात की थी कि बहुत टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड, एक एग्जाम्पल है इसके अंदर, इंपिटमेंट्स रिस्पॉन्सिबल एक्शंस की हमने बात की है, सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ डिसेप्शन है, फेयर है, इग्नोरेंस है, ईगो सेंट्रिक टेंडेंसीज है, माइक्रोस्कोपिक विजन है, अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस अथॉरिटी है, ग्रुप थिंक है, और फिर चैप्टर समरी। तो आप प्लीज़ बुक को पहले पढ़ के, पहले बुक को पढ़िएगा और उसके बाद फिर चैप्टर को स्टडी कीजिएगा ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ, और फिर कोई क्वेरी हो तो मुझे फेसबुक पेज पे, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप पे या ईमेल पे ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।